दैनिक सुरा टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमित। हम आ चुके हैं, साहिल वापसी हो गई है, बिल्कुल सुमित। और एक बड़ी खबर हम लेकर आए हैं, वो है रिंकू सिंह आएंगे और दुबे जाएंगे। क्या रिंकू सिंह आएंगे और दुबे जाएंगे? साहिल ये क्या होने वाला है थोड़ी देर में? शायद आज हमें कुछ जुबा हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सुमित, जैसे आपने बोला कि दुबे जाएंगे और रिंकू सिंह आएंगे, क्योंकि ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दुबे का प्रदर्शन है, उन्होंने देखा कि मैचेस में वो चल नहीं पा रहे ज़्यादातर, इसलिए भारत की ऑडियंस भी यही चाहती है कि उनको मौका मिले, क्योंकि रिंकू सिंह का अच्छा प्रदर्शन रहा है हमेशा। उन्होंने बहुत अपनों परफॉर्मेंस उनकी हमेशा सबसे अच्छी रही है, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को कि वो बेस्ट हैं। बिल्कुल, रिंकू सिंह की एक बात तो है, हमने देखा है जितना भी उन्होंने भारत के लिए परफॉर्म किया है वो ज़बरदस्त रहा है उनका प्रदर्शन, फिर भी उनको जगह ना मिलना, रिजर्व्ड प्लेयर में उनकी एंट्री हो जानी, ये सभी को चौंका दिया था इस डिसीजन ने। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था उस समय? बिल्कुल सुमित, जैसे इतना बड़ा प्लेयर उसको एक रिजर्व में रखा हुआ हो, क्योंकि उन्होंने आपने देखा कि जब आईपीएल थे, आईपीएल में भी उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छी दी, उसने अपना बेस्ट करके दिया, और वो तो ऐसे मैच होते थे जैसे हम बोलते हैं विराट कोहली मतलब ऐसे मैच जिता के चले जाते हैं, ऐसे ही रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह ने बड़े फंसे मैच जो थे उन्होंने जिता के अपनी टीम को, और केकेआर टीम जो चैंपियन बनी। हाँ। हमारे फैंस भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी मानते होंगे कि रिंकू सिंह का बहुत बड़ा रोल था केकेआर को फाइनल में लेके जाना और चैंपियन भी बनाना। आपने देखा है कि रिंकू सिंह अपनी पूरी, कहते हैं ना कि पूरा जोर लगाकर खेलते हैं, कोई उनको नहीं फर्क पड़ता चाहे हार रहे हो चाहे, आपने देखा ही वो 5 छक्के कैसे उन्होंने जसदयाल को लगाए थे और मैच जिताया था, क्योंकि तब भी हमने मैच में देखा था कि जब रिंकू सिंह बैटिंग करने आए तो ऐसे लग रहा था मैच तो खत्म है, सामने वाली टीम अपनी जश्न मनाना शुरू हो गई थी कि लो एक ओवर में ये नहीं कर सकता कोई भी, और वो रिंकू सिंह ने करके दिखाया जी। साहिल ये बात होती है कि शिवम दुबे, खास करके हमारे फैंस जो देख रहे हैं, इंडियन फैंस देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं शिवम दुबे चल नहीं रहे, जितने भी मैच हुए स्कोर कुछ नहीं है, सभी कह रहे हैं कि इनको क्यों रखा हुआ है। स्काई का भी परफॉर्मेंस वैसा ही है, पर स्काई ने पीछे परफॉर्म किया है काफी अच्छा, फिर भी शिवम दुबे पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों? मतलब क्या उनकी कमी है कोई टेक्निक में? तकनीक में कोई कमी नहीं है, तकनीक में कमी होती तो वो इंडिया टीम में सिलेक्ट ना होते। इसका भी होता है कि जैसे वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस अच्छा नहीं कर पा रहे, जैसे हमने लास्ट मैच में देखा कि मतलब 9-10 बॉलों में उन्होंने 3 रन मारे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडियन फैंस जो भी हैं वो हमेशा यही चाहता है कि हम पाकिस्तान के सामने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें और हम जीतें, और इतने बड़े मैच में हम कैच भी रिजवान की, इतने बड़े प्लेयर की, उनका पाकिस्तान का प्लेयर है जो ड्रॉप कर दी, वो लिखा जाता है ना, होता है ना कि जब आखिर में बैठती होगी टीम, राहुल द्रविड़ भी बैठते होंगे, वो देखते होंगे अच्छा इसने ये गलती की, इसने ये गलती की। हमें पता है कि जब हम कैच ड्रॉप करते हैं ना वो मैच ड्रॉप भी हो सकता है। बिल्कुल, इसी कारणों की वजह से काफी बातें चल रही है कि रिंकू सिंह की शायद वापसी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद सुपर एट आएगा, आपको टीम परफेक्ट चाहिए, आप नहीं चाहते कि वो सभी, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था ना पिछले साल, कि सभी अच्छा गया फाइनल में हार गए, है ना? अगर ये जैसे वो बोला, जैसे सुमित हम बोल रहे हैं कि जब हम वर्ल्ड कप में भी हमारा जब ये T20 की बात नहीं कर रहा, ये मैं कर रहा हूँ वर्ल्ड कप की जी। तब हम लगातार सारे मैच जीत रहे थे, अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम T20 मैच में भी सबकी उम्मीद यही है कि ये हमारे घर में नहीं हो रहा, ये हम बाहर जाके खेल रहे हैं, और ये सारे फैंस जो क्रिकेट देखते हैं, जो हर अपने कोहली के फैन हो, या विराट कोहली के फैन हो, या रोहित शर्मा के फैन हो, वो यही चाहते हैं कि ये कप हमारा हो, वो तभी होगा जब पूरी टीम अच्छे से खेलेगी। साहिल एक बात हमें बताइए, हमारे दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे होंगे कि शिवम दुबे में मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको, कि क्या यूएसए की पिचों की कोई दिक्कत है उनकी वजह से ये ट्रबल आ रही है, क्या होगा? मतलब सुमित ऐसा है कि देखो, अब ये अपने ग्राउंड में इन्होंने T20 था हमारे नीचे इधर इंडिया में, अब इंडिया की पिच थी कि बैटिंग पिच ज़्यादा थी, क्योंकि हमने देखा स्कोर बड़े बड़े स्कोर बने, 200-250 स्कोर तक चले जाता था, वो हमें आदत भी पड़ गई देखने की कि मतलब 20 ओवरों में 200-250 स्कोर जा रहा है, बन जाता था। आईपीएल में देखा कैसे देखा, अब बाहर वाली पिचों का ये है कि 150 स्कोर भी बन रहा, 150 वो भी नहीं हो पा रहा, इतना मतलब फंस चुके हैं मैच की 120 हमने देखा, पाकिस्तान नहीं बना पाई उस दिन, है ना? यही बात है। और शिवम दुबे आते हैं वो भी लगाने की सोचते हैं, आए और शुरू हो गए बस, क्या यही मानसिकता उनको मतलब ट्रबल कर रही है इतनी?
इसीलिए वो दो बार मे भी दो बार ऐसा हुआ कि वो जीरो पे आउट हुए, दस के नीचे दस के नीचे, मतलब डबल डिजिट स्कोर भी नहीं बना पाए वो। हाँ, जो हमारे साथ फैन जुड़ चुके हैं वो भी मानते होंगे कि शिवम दुबे का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही एवरेज रहा है, और डिमांड कर रहे हैं कि रिंकू सिंह को लाओ। क्या रिंकू सिंह की वापसी आने के पूरे चांसेस है, आपको क्या लगता है? देखो वो भी खेलने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, वो ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए आए हैं रिंकू सिंह। देख रहे थे ना, वो मैच देख रहे थे बाहर बैठे हुए। अब वो भी चाहते हैं कि एक बार मुझे भी मौका दो। ऐसे ही रिंकू सिंह है, ऐसे ही संजू सैमसंग भी है, वो भी एक बड़ा खिलाड़ी है। बट संजू सैमसंग को मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ क्योंकि ये लेफ्टी का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। रिंकू सिंह, ये बात तो है, ये हमारे फैंस भी मानते होंगे कि उनके अंदर काबिलियत है कि वो इंडिया टीम में अभी खेलने चाहिए वर्ल्ड कप में, पर उनको कौन सी चीज ऐसी रोक रही है? क्या यही लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन, या टीम इंडिया की कोई और सोच है कि हमें अटैकिंग की नहीं, हमें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए? क्योंकि अभी 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 सुमित स्टार्टिंग मैच है इंडिया के, दूसरा आज तीसरा मैच होने जा रहा है ना, अब वो भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंडिया टीम जो सिलेक्टर हैं वो यही चाह रहे होंगे कि यार ये बड़ा नाम है शुभम दुबे हो और ये हमारा स्काई हो। स्काई का भी ये है कि स्काई भी नहीं चल पा रहा अच्छे से, जैसे उसने आईपीएल में भी उसको था कि वो अच्छा चलेगा, उसके उससे बैट से रन आने चाहिए थे, बट वो भी इतना हिट नहीं हुआ जो स्काई जिसके लिए मशहूर है वहाँ पर। हमारे दर्शकों से ही पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे को खेलना चाहिए या फिर रिंकू सिंह की वापसी होनी चाहिए वर्ल्ड कप में? साहिल, रिंकू सिंह रिजर्व में है, ये अपने आप में एक गलत डिसीजन नहीं लगता? आपको क्या लगता है? मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ सुमित कि इंडिया टीम जो सिलेक्टर हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। उनका है कि एक बार हम सबको, अभी शिवम दुबे को भी वो देख रहे हैं कि वो अच्छा चले, बट वो चल नहीं पाए। ऐसे ही अगर हम पीछे चले जाएं सबसे मैच में, जो बड़े बड़े नाम हैं आज तक, जैसे सचिन तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, वो पहले मैचों में नहीं चले थे वो, है ना, क्या पता एक मौका फिर मिल जाए उनको आज। मतलब आपको लगता है कि मौका मिलेगा? हो सकता है, हो सकता है। मान लो एक मैच और नहीं चले, क्योंकि सुपर 8 में, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं मौका मिलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान वाले ज्यादा देख रहे होंगे ये मैच। ये तो अगर कहीं भारत आज हार गया और पाकिस्तान के वो पक्ष में चले जाएगा ये चीज, वही बात है ना। आपको क्या लगता है कि अगर रिंकू सिंह की वापसी हो गई, सेम पोजीशन पर खेलेंगे शिवम दुबे की जगह, आपको क्या लगता है? अगर वो उनकी रिप्लेस है तो वो ऑब्वियस है कि वो उसकी जगह पे खींचेंगे, क्योंकि मिडल ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमेशा सैमसन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमेशा हमारी इंडियन टीम की परेशानी ही मिडल ऑर्डर रहा है। क्या मानते होंगे कि स्काई, सूर्य कुमार यादव भी वो नहीं चल रहे? आपने देखा है कि उनका भी हाल ऐसा ही है कुछ जैसे शिवम दुबे का, क्योंकि इंडिया टीम यही सोचेगी क्योंकि आगे भी उनके मैच बहुत स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ होंगे। ये नहीं कि ये हल्की टीम है जिसके साथ आज मैच हमारा है, उन्होंने पाकिस्तान को हराया हुआ है सुमित, ये कोई हल्की टीम नहीं है। हम किसी भी टीम को वो सिलेक्ट होके यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में आए हैं तो वो कोई, मतलब हम इसको इजी नहीं ले सकते, और ना हम अपना कोई एक्सपेरिमेंट किसी के साथ अभी कर सकते हैं किसी के साथ। जी, आपको क्या लगता है रिंकू सिंह को वापसी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो अब सिलेक्टर के ऊपर ही है, रिजर्व में तो है, आपको क्या लगता है कि उनको खेलना चाहेंगे? आगे सुपर 8 के मुकाबले आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया टीम के लिए, आपको क्या लगता है? आप कमेंट कीजिए नीचे, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आप जानते हैं। साहिल, सब कुछ अच्छा जा रहा है, इंडिया जीत रही है, फिर भी जैसे वर्ल्ड कप में हुआ इतने मैच जीत कर आप वो एक मैच, वो चीजें मत याद कराओ सुमित, वो हमने ना याद करनी है ना हम वो चीज वाकया दोबारा देखना चाहते हैं, भी नहीं याद करना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि आज सुमित अगर रिंकू सिंह की वापसी हो गई टीम में और उन्होंने हाफ सेंचुरी से अबव स्कोर कर दिया तो ये पक्की जगह फिर होगी, फिर उन्होंने प्रूव कर दिया दोबारा। साहिल, मुझे लगता है कि एक बात तो होगी कि शायद शिवम दुबे को एक और मैच मिल जाए, हो सकता है, पर वो अगर फिर ना चले फिर सिलेक्टर से सोचेंगे नहीं रिंकू सिंह को ले आए हम। मुझे 60-40 लगता है कि मतलब कि एक चांस फिर मिलेगा उसको, एक चांस फिर देंगे, क्योंकि आप 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि कैप्टन अभी है रोहित शर्मा, उनका दिल बहुत बड़ा है, बट वो दिल बड़ा के साथ साथ वो मैच भी मतलब जीतना चाहते हैं, ये नहीं कि शिवम दुबे चले या ना चले, उनको मैच के ऊपर भी फोकस है, उन्होंने मैच भी जीतना है। साहिल, एक बात और है, अगर आप IPL की परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहे हैं शिवम दुबे की, मतलब उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, रिंकू सिंह की भी ऐसी ही परफॉर्मेंस है अच्छी वाली है, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना? मेन बात तो यही होगी ना। मैंने बोला आपको सुमित कि अगर रिंकू सिंह टीम में आ गए, टॉप 11 में आ गए और उन्होंने अपना 50+ स्कोर कर दिया, तो फिर तो बाकी लोग जैसे स्काई को बाहर बिठाना पड़ेगा, वही बात होगी ना, फिर स्काई को बाहर बिठाना पड़ेगा। मैं दुबे की बात नहीं कर रहा, मैं स्काई की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी नहीं चल रहे अच्छे से। ये तो
अब सिलेक्टर्स जानेंगे और हमारे दर्शक जानेंगे कि कौन कितना सही है, क्योंकि आप कमेंट जरूर कीजिए आपको क्या लगता है शिवम दुबे खेलने चाहिए या रिंकू सिंह खेलने चाहिए या फिर सूर्य कुमार यादव भी बाहर होने चाहिए, या आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हमारी और होगी, आपकी कुछ और होगी, पर आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि इंडियंस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। ठीक है साहिल, एक लास्ट पॉइंट हमें बताइए, रिंकू सिंह के आने से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग होगा? टीम जब एक नया खिलाड़ी दोबारा टीम में आएगा उसका पहला मैच होगा ये सीरीज में, टेस्ट तो होगा एक हाँ, उसके लिए टेस्ट भी होगा, नई जगह होगी, नई बाहर यूएसए में मैच बाहर हो रहे खेलने के लिए आए हैं, उनका भी ये फोकस होगा कि यार कहीं मैं ना चले जाऊं, मैं जल्दी ना मतलब आउट हो जाऊं, है ना, उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा कि यार मैंने जो ये नहीं कर पाया ये मुझे करना है, मैंने ये भूमिका अपने मतलब अपनी भूमिका के साथ मैंने निभानी है और मैंने अपना अच्छा और बेस्ट देना, और मैं आशा यही करता हूँ कि वो अपना बेस्ट देंगे सुमित। बिल्कुल बेस्ट देंगे और आएंगे, छक्के लगाएंगे और हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित हो जाओ, क्योंकि अभी भी टाइम है, रिंकू सिंह आ सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज पूरी है, रिजर्व में रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा, बट सारे इंडियंस मैच आते हैं। मुझे वो याद, वो जब हम पहले भी लाइव में हमने बोला हुआ रिंकू सिंह की बल्ले 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 बल्ले, आज मुझे लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि केकेआर में दिखाया इंडिया टीम में हम जितना भी वो खेले अच्छा खेले हैं, पर फिर भी वो बाहर सभी नाराज तो हैं, जितने इंडियन फैंस सभी नाराज है कि रिंकू सिंह क्यों नहीं है, ये सवाल बार बार आता है, और ये हमारे डिस्कशन का मेन यही था कि रिंकू सिंह की वापसी हो सकती है, क्योंकि बाकियों का परफॉर्मेंस सूर्य कुमार का देख लें, शिवम दुबे का बिल्कुल एवरेज सा रहा है। ठीक है, ये आप भी मानते होंगे, पर आपको क्या लगता है कि उनकी वापसी होनी चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह की और भी बड़ी अपडेट्स सबसे पहले आपके पास लेकर आएंगे दैनिक सवेरा टीवी पर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।